कल्पित मन्यनम, नेत्रों में तो अन्यन, और जो श्रृंगार किया गया है, अल्पना की गई है, वो कस्तूरी से की गई है। तो कस्तूरी के तो कमल पत्र इत्यादि जो काढ़े गए कपोल के ऊपर, वो भी कस्तूरी के काढ़े गए। तो कस्तूरी का नेत्र, तो अंगे कल्पित मन्यनम विनिहिता कस्तूरी का नेत्र, नेत्रों में तो अन्यन कल्पित किया गया है, और श्रीअंग में सुंदर कस्तूरी, उन कस्तूरी के ही चित्रांग विराजमान किए गए हैं। कंसारे अभिसार संभ्रम भरांग मन ने जगत विस्मृतम। आज ऐसा लगता है कि कंसारी का के पास में कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करके जब तू पधार रही है, तो संभ्रम भरा उत्कंठा के कारण अरे सखी मालूम ये लगता है कि मन ने जगत विस्मृतम, तूने संपूर्ण जगत को ही जैसे भुला दिया है। शिवप्रिया श्री स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर पद है कि कस्तूरी को मर्दन किए, कृष्णावसार का स्वरूप में श्री प्रिया जी श्री अंग के ऊपर जो अंगराग है, वो अंगराग भी इस समय चंदन का अंगराग नहीं है, बल्कि इस समय कस्तूरी का अंगराग धारण करके श्यामा स्वरूप ही अपने कृष्ण स्वरूप को श्याम स्वरूप में ही कहीं ढाकती हुई श्री प्रिया जी विराजमान। ऐसे भीतर गोरी और ऊपर श्याम स्वरूप को प्रकट करती हुई, श्याम वस्त्र, श्याम नीली साठ का, श्याम ही नीले जो कमल उन इंदीवर की माला को वक्षस्थल के ऊपर धारण कर श्याम कंचुकी, जितने भी नीलम के आभूषण हैं उनको विशेष रूप से धारण कर श्याम ओढ़नी ओढ़ करके श्री प्रिया श्याम अभिसार का स्वरूप धारण करते हुए पधार रही है। बड़ा सुंदर श्री किशोरी जी की रूप माधुरी, जो सेवा सखी की वो अद्भुत है, श्याम अभिसार का स्वरूप में सखी की श्याम रात्रि में जो श्यामाभिसार का कृष्णाभिसार का जो सेवा है, उस अभिसार की सेवा का यहाँ ऊपर कर रहे हैं कि धम्मिल्लो परंदी रचिता, सुंदर केश उनके ऊपर नीले पुष्पों की सुंदर धम्मिल उनकी अमूढ़ा बना करके उसके ऊपर कहीं जो चूड़ामणि, उस चूड़ामणि के रूप में नीलम के ही किसी दिव्य कमल को जहां जूड़ा में बीच में खुरसा गया है और हार स्क्वायर रूपिता, और जूड़ा के ऊपर जो बेनी बनाई गई है, वो बेनी भी नीले पुष्पों की ही बेनी बनाई गई है। विन्यस्तक कुचकुंभ कोवले श्रेणी कृता, और कुचकुंभ जो है उनके ऊपर कोवले श्रेणी माने नील कमल की माला, कोवले माने नील कमल, उनकी श्रेणी माने माला, उनको कृता उनको स्थापित किया गया गर्भगृह, बीच बीच में जिसमें नीले पुष्प ही लगे हुए हैं और नीले कमल ही बीच में जिसमें वो पुवे हुए हैं। और अंगे कल्पित मन्यनम विनिहिता कस्तूरी का, अंग में तो कस्तूरी धारण किए हुए हैं और नेत्र जो है उनमें अन्यन धारण करके श्री प्रिया विराजमान है। अंगे कल्पित मन्यनम विनिहिता कस्तूरी का नेत्र, अंग और नेत्र इन दोनों में कज्जल और कस्तूरी धारण करके कंसारे अभिसार संभ्रम भरा, आज कृष्ण के प्रति अभिसार करने के संभ्रम माने उत्साह में मन ने जगत विस्मृतम, आज इस अभिसार का ने कृष्णाभिसार का ने संपूर्ण जगत को ही विस्मृत कर दिया है। श्री किशोर जी जब अपनी प्रशंसा सुनती है तो न जाती हुई कह रही है हला अरे रहने देरी मुंच मुंच परिहासन, क्यों हंसी करती है। त्वरितम उद्देश्य केशव कुंज मार्ग, मुझे तो ये बता केशव कुंज कितने दूर रह गई है, अशांत कितने चतो
स्वयं को प्रिया जी को तो आविष्कार किया आया था, केशव कुंज में स्वयं भी आकर के बैठे थे, परंतु वहां पर पहुंच गई है चंद्रावली जी। अब कहीं बीच में बाधा नहीं पड़ जाए, दोनों पक्ष पक्ष एक जगह नहीं आ जाए, इसलिए केशव नाम से ही नाग केशव नाम की कुंज में श्री चंद्रावली जी को लेकर के आप चले गए, श्री प्रिया जी आकर के केशव कुंज में विराजमान होंगी। श्री ललता जी कह रही है इतो प्रिय सखी, सखी पधारे पधारे। श्री रागानुगा भक्ति में, रागात्मका भक्ति में दो सेवाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सखियों की। एक तो प्रिया जी को श्याम सुंदर की संकेत कुंज में अभिसार कराना, और अभिसार करा करके परिहास करके दोनों के प्रेम की वृद्धि करके अंत में श्याम सुंदर के हाथ में प्रिया को समर्पित करना। ये दो सेवाएं सर्वोत्तम सेवाएं, सबसे ज्यादा रसप्रद सेवाएं। पहले श्री पद्माजी जी चंद्रावली जी को श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करके चतुराई से निकल गई, और ऐसे ही यहां पर भी अभी अभिसार करा रही हैं और श्याम सुंदर के हाथ में श्री नुकुंजेश्वरी को जल्दी से समर्पित करके श्री ललिता जी भी बहाना बना करके निकुंज मंदिर के बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर के बाहर निकलती हैं, और श्री ललिता जी कह रही हैं कि तिमिर मसिन ही संपीतांगे कदम्ब बनाम त्वरेगी। सखी मुर्रिकुम पुण्यात्मान संत अभिसारिका तवत परतो विद्युत वर्णास्तन नरद्युत सूचयो हर हर घन ध्वांता नेता सोवई ऋणी बिंदिल बिंदत। बोले अरे सखी, मैं इतना तुझे कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करके लाई, परंतु क्या करूं, आज तेरी श्री अंग की कांति ही तेरी बैरन बन गई। सारा ढक करके लाई कस्तूरी, कहीं केशर का नाम नहीं है, चंदन का नाम नहीं है, इसमें सब आज जितना भी अंगराग है वो सब श्याम रंग का अंगराग, सारे आभूषण श्याम रंग के, चमकीले हीरे सब हटा दिए गए, हीरा का आभूषण नहीं, केवल नीले जो मोती और नीले जो नीलम के आभूषण है, पन्ना के आभूषण, उनको धारण करके मोती, क्योंकि मोती का तो स्वभाव है जिसके साथ में मिलेगा वो फिर सही रंग धारण कर लेगा, तो नीले पन्ना और नीलम इनके आभूषणों को धारण करके नीले कमल की माला, इंदिवर की माला, उसको धारण करके शिवप्रिया जी पधारी है। नीले कमल का नाम है इंदिवर, श्वेत कमल का नाम है पुंडरीक, लाल कमल का नाम है पद्म, गुलाबी कमल जो है उसका नाम है सरोज, पीले रंग के कमल का नाम है स्वर्ण कमल, सारे कमलों के ही अलग अलग नाम है। तो इंदिवर की जो माला है उसको धारण करके भी श्री प्रिया जी पधारी है। पंत कह रही है हाय, सारे अंग को तो आभूषण को तो बदला जा सकता है, परंतु इस अंग द्युति को कहां बदलूंगी, ये तेरे अंग की जो द्युति है वो तेरी चुगलखोरी कर रही है, तू किस मार्ग से जा रही है, ये शरीर से प्रकट होने वाला जो कांति है वह तेरी कांति को प्रकट कर रहा है। बस यही समाप्त कर रहे हैं कि तिमिर मसलिस संगीतांग्रह कलम बनांतर है कि अरे सखी, अंधकार की श्यामलता से यद्यपि संगीतांग तेरे अंग को छपाने का अंधेरे मार्ग में होकर के मैं ले जाने का प्रयत्न कर रही हूं, कृष्णाभिसार का उजेले रास्ते से नहीं जाती है, वृक्षों की छाया में होकर के ही गमन करती है, तो तिमिर में जो मार्ग है उससे ही संगीतांग तेरे अंग को ढांकती हुई कदम बनांतरे, कदम बन के बीच में सखी मुर्रपुम पुण्यात्मान मैं तुझे ले जाने का प्रयत्न करती हूं। आहा, वे सखीगण,
वे अभिशाप कारण बड़ी पुण्यात्मा बड़ी पुण्य आत्मा वाली है जो कि मूर्खों अभिशारंती अभिशापिका मूल रूप के पास में कृष्ण के पास में अभिशाप सुख पूर्वक कर लेती है। अपने अंग को अंधकार से ढांक करके कदम बन में होती हुई जो सफलता पूर्वक कृष्ण के पास में कृष्णाभिसार का बनकर के अभिसार कर लेती है, ऐसी कोई कोई नायिकाएं जो होंगी वे बड़ी भाग्यशाली है। अरे सखी तू भाग्यशाली नहीं है, क्यों? बोले तेरी अंग की कांति तेरी चुगलखोरी कर देती है कि तू इस मार्ग से जा रही है। ये अंग कांति तो बाहर प्रकट हो रही है। तब तो पद तो विद्युत बनना स्तन द्युतया तेरी चारों ओर विद्युत के समान बढ़ने वाली तनु द्युत सूचय श्री अंग की द्युति उनकी सूची माने किरण तेरे श्री अंग की किरण चारों ओर बिजली के समान बढ़ने वाली चारों ओर प्रकट हो रही है। हर हर घन ध्वानता स्वेणी भिंदते हरि सखे एता माने ये तेरे श्रीअंग से निकलने वाली जो सूची माने किरणे हैं ये ही स्वभैरिणी अपने आप के साथ में बैर करने वाली है जो कि हरि हरि बड़ी कष्ट की बात है। ये हरि हरि कहना हाय हाय राधे राधे श्याम श्याम जैसे कहते हैं ऐसी हरि हरि बड़ी कष्ट की बात है कि भ्रांतानि एता भिन्यन्ते ये अंधकार को भेद चली जा रही है। तो तेरे अंग की ध्वनि अंधकार को भेदती हुई चली जा रही है। श्री राधिका कह रही है अली सखी रहने दे मुझे इतना उलाहना मत दे मत दे अलम अनेन उपालन है। अब यहां पर निंदा की जा रही है कि स्तुति ऊपर से देखने में निंदा की जा रही है और भीतर से श्री राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो कह रही है अली सखी इस उपालम करने से बंद कर प्रत्यासन को बकुल कुंज बकुल कुंज सामने आ गई है। और ऐसा कहकर कि श्री बकुल कुंज में श्री श्याम सुंदर उनका दर्शन करने के लिए प्रयत्न करती है और उत्सुक होकर के श्री राधिका उस समय पधार लेती है। श्री राधिका का कृष्ण के पास में श्री स्वामी जी का उस समय अभिशाप हो रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की श्री ललता जी वो ही अभिसार की सर्वोत्तम सेवा सखी की मंदिर की जो सेवा है उस सखी की सेवा को श्री ललता जी करती हुई गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा बोलो ला वंदे हरि लाल।